Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Foodies Kitchen by Sidra. आज हम बनाएंगे chicken broast. तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर आने वाली नई और मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिल सके. तो रेसिपी को नोट करें. सबसे पहले हम लोगों ने 3 पीसेस लेके उस पर मैंने पहले कट लगाया इस तरह आप देख सकते हैं, और उस पर रेड चिली पाउडर हमने तकरीबन 2 टीस्पून के करीब स्प्रिंकल कर दिया है. आप अगर ज़्यादा स्पाइसेस लेना चाह रहे हैं तो आप 3 टीस्पून कर लें. 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून जो है वो हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे. बहुत कम, 1 टीस्पून से भी कम मैं गरम मसाला ऐड करूंगी इसमें. और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर या वाइट पेपर पाउडर जो आपके पास है वो आप इसमें डाल दें. सिरका जो है वो 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे. आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो आप चिली सॉस डालें और 1 टेबलस्पून आप सोया सॉस डालें. मैंने 2 चम्मच दही को बीट करके इसके अंदर डाला. अब 1 कप हम मैदा लेंगे, इसको अच्छे से हमने छान लिया. छानना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात जो है वो मैदे में कीड़ी होती है. 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे. वन टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, ये हम इसकी कोटिंग रेडी कर रहे हैं. 1 अंडा, 1 जो है वो हम अंडा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा सा हम पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको हिलाते जाएंगे. हमें ये बहुत थिक टेक्सचर तो हम लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन इतना टेक्सचर होना चाहिए कि ना तो ये बिल्कुल जो है वो पानी जैसा हो कि जिसके अंदर हम डिप करें तो टपक रहा हो. मैं आपको दिखा ही देती हूँ बल्कि कि किस तरह का टेक्सचर आप लोगों को बनाना है. पानी डाल के हम इसको हिला लेंगे. पाउडर कोटिंग के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने बेसन डाला है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 बैटर जो है वो भी आप देख ले, मैंने बोला था कि मैं टेक्सचर आपको बता देती हूँ. ये कोट करते हुए आपको इसकी कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा. देखिए इतना पतला भी नहीं है कि लगाने में ये बिल्कुल गिर रहा हो. अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कोट चाहिए तो फिर आपको आइस क्यूब्स ले लें एक बाउल में और उसमें पानी डालें थोड़ा, यख ठंडे पानी में जो है वो आपने इसको पाउडर कोटिंग पहले करके इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, पहले वाटर कोटिंग करनी है उसकी डिप करके इसको इस टेक्सचर में, फिर इसकी आप पाउडर कोटिंग करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ. तो आप पाउडर कोटिंग के बाद उसको चिल्ड वाटर में आप लोगों ने डालना है. तो दोबारा से फिर आप उसको चिल्ड वाटर में डिप करके दोनों साइड से, लेकिन उसमें रख नहीं देना, हम लोगों ने बस उसको डिप करना है, वंस डिप करना है. तो फिर दोबारा हम उसकी पाउडर कोटिंग करेंगे. लेकिन अगर आपको बहुत
हार्ड किस्म का तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको क्रंच नहीं चाहिए तो इतनी जो है वो बिल्कुल इनफ होगी। मैं जो है ये वाला मेथड नहीं यूज़ करूँगी, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आपको एक्स्ट्रा कोटिंग चाहिए, क्रिस्पनेस एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने तीनों पीसेस को दोनों साइड से कोट कर लिया है। मैंने जो आपको पीस दिखाया है, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम जो है, और लो टू मीडियम हमने रखना है, हमने हाई फ्लेम नहीं करना। हाई फ्लेम में डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा फौरन से, और वैसे भी जो गोश्त है वो से चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। थोड़ी सी मैंने साइड जो है वो इसकी टर्न की है, तो आप इसका कलर देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे चिकन पीसेस, हमारा चिकन रोस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे मिंट के रायते के साथ, जीरे के रायते के साथ, किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद है आप सर्व करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा बना आपका चिकन ब्रोश। तो मुझे दुआ में याद रखिए, हाजिर होती रहूँगी नई नई वीडियोस के साथ। चल दे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।